आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का यह कहना है कि लद्दाख तनाजे पर चीन का मौकिफ दुरुस्त है, वो भारतीय नाजायज कब्जे को भी तस्लीम नहीं करते। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा है कि 5 अगस्त का भारतीय इकदाम गैर कानूनी था। भारत ने गैर कानूनी इकदाम के बाद जाली नक्शे भी जारी किए। नक्शे में लद्दाख को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। सरदार मसूद खान ने कहा कि लद्दाख और कश्मीर का मामला मुतनाज़े है। चीन लद्दाख में भारतीय नाजायज कब्जे को कभी तस्लीम नहीं करेगा। लद्दाख तनाजे पर चीन का मौकफ दुरुस्त है। सरदार मसूद खान ने कहा कि भारत की तौसी पसंदी को लगाम देना बहुत जरूरी है। जंगें मशीनें नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। चीनी फौज की निस्बत भारतीय फौज कमजोर है। भारतीय फौज को मुतादिद मसाइल दरपेश हैं। सदर आजाद कश्मीर ने कहा कि चीन के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की गई है। अमरीका ने कोरोना फैलाव का जिम्मेदार चीन को करार दिया है।